हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है प्रेरक कहानियां। आज की कहानी है मेंढक की सोच। हेलो, तुम यहाँ घूमने आए हो? हाँ भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी अचानक बारिश आ गई। अरे परेशान मत हो दोस्त, तुम सही जगह आए हो। मैं तो यहाँ इस तालाब में रहता हूँ, आओ देखो। तो देखा तुमने कितना बड़ा है मेरा तालाब। अच्छा तुम कहाँ रहते हो? मैं तो एक समंदर में रहता हूँ। समंदर? वो कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा। क्या तुम्हारा समंदर इतना बड़ा है? नहीं, इससे बड़ा। तो क्या तुम्हारा समंदर इतना बड़ा है? इतना बड़ा? इतना बड़ा? तो क्या वो इससे भी बड़ा है? समंदर इससे बहुत बड़ा होता है मेरे दोस्त। मैं नहीं मानता। इतने सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मगर मैंने तो आज तक ऐसी कोई जगह देखी नहीं जो मेरे तालाब से बड़ी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे भी बड़ी कोई जगह हो। तो ठीक है, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि समंदर कैसा होता है। माफ करना मेरे दोस्त, आज तक मैं यही सोचता रहा कि मेरा तालाब सबसे बड़ा है, मगर मुझे अब एहसास हुआ कि मैं गलत था। कहानी का सार यही है कि हम अपनी धारणाओं की दुनिया में एक छोटे तालाब की तरह रहते हैं और सोचते हैं कि इस दुनिया से बेहतर और कुछ नहीं है। जब कोई बताता है कि इसके अलावा एक दूसरी दुनिया भी है, तो उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ऐसी कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगली कहानी के बारे में जानने के लिए हमें YouTube और Facebook पर जरूर फॉलो करें।